वीएसवी फूड सफारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एकदम अनोखी और नए तरीके से बालूशाही, जिसमें हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें परतें बनेंगी नहीं बनेंगी। बहुत कम सामग्री से बनने वाला आइटम है ये बालूशाही। करेंगे हम एक कप मैदा, थोड़ा सा मोमन, लाल कलर, ये एडेबल कलर है फूड ग्रेड का। साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसे मिलाएंगे। इसमें रंग को बहुत अच्छे तरह से इसको गूंथना है, जिससे कि रंग चारों सारे आटे में मिल जाए अच्छे से। पहले इसको डोंगे में मिलाएंगे, उसके बाद में इसे फ्लैट सरफेस पे हाथ से अच्छी तरह से इसको गूंथना है, जिससे कि कलर पूरी मैदा में फैल जाए। इसमें थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बहुत फाइनल रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया आता है, देखने में भी बहुत सुंदर है ये। अब हम दूसरी मैदा माड़ेंगे। इसके लिए हम लेंगे आधा कटोरी मैदा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसमें हम पीले रंग का यूज करेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसे पानी के साथ जिस तरह से हमने लाल रंग का इस्तेमाल किया था उसी तरह से हम पीले रंग को मैदा को अच्छे से गूंदेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिलाना है बिल्कुल मैदा को। अब हम इसकी दो तरह से पीढ़ियाँ बनाएंगे। एक लाल रंग की जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें थोड़ा सा बढ़ा, ये देखिए करीब 30 से 35 ग्राम की पीढ़ी है ये, और जितनी मैदा हमने माड़ी थी उसमें ये 12 पीस बने हैं ये। अब हम इसको हाथ से फैलाएंगे लाल रंग को और उसके बीच में पीले रंग की मैदा को मिला करके इसको अच्छे से पीढ़ी बना देंगे इसकी, और इसे हाथ से गोल करके बिल्कुल चकना करके इसे रख देंगे। इसी तरह से हम सारी पीढ़ियों को तैयार करेंगे। कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल आराम से होने वाला काम है। अभी देखिए हमारी पीली वाली मैदा थोड़ी ज़्यादा बच गई है, अब हम इसको उल्टा कर देंगे। अब पीली मैदा के अंदर हम लाल रंग की मैदा भरेंगे, जिससे कि एकदम अपोजिट कलर हो जाएगा ये। कंट्रास्ट कलर में अच्छा लग रहा है देखने में आपको। और ये हमारी आखिरी पीढ़ी। अब ये देखिए हम इसको उल्टा करके रखेंगे पीढ़ी को, और ऊपर से इसको चार हिस्सों में काट देंगे, एक चौथाई लोई तक। ये देखिए, कोई टेक्निक जैसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल लोई को काटना है हमने। मैदा गूंथने के बाद में और लोइयां भरने के बाद में इसमें हमारा 10 मिनट का टाइम लग चुका है, और इनको हमने 10 मिनट या 5 मिनट के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम सीधा तलने के लिए डालेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर चुके हैं इसके अंदर। हमारी एक कटोरी डेढ़ कटोरी मैदा में हमारी 12 पीस बने हमारे टोटल। अब हम चाशनी बनाएंगे, इसके लिए हम 2 कटोरी चीनी डाल रहे हैं, और इसमें हम करीब 1 कटोरी पानी, और ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई। हमने इसको एक तार की चाशनी बनाना है, इसमें इलायची डालेंगे हम, और इसमें रंग किसी भी तरह का नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना रंग लगाएंगे ना केसर लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी केसरी रंग हमारे बालूशाही में है, और इसमें हम कोई भी कलर लगाएंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर।
इलायची थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे कि खुशबू आ सके इलायची का। अब हमारा तेल बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल गर्म से बिल्कुल बीच में है, एकदम मंदी आंच पे इनको सेकते हैं। ये देखिए हम बिल्कुल मंदी आंच पे इसको हम तल रहे हैं, और ये जो हमने कटिंग मारी थी ये एकदम बिल्कुल खिल जाएंगे फूल की तरह से। ये देखिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अब मैंने चक्कू की सहायता से हिलाएंगे धीरे धीरे, और इसमें स्पैचुला या पोनिया का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, इसको पहले इसकी जो इसको पलटना है इसको हमने चाकू की सहायता से करना है इसको, जिससे कि इनमें कोई मारना है। ये देखिए एकदम फूल के जैसे कट चुके हैं। हमने इनको मंदी आंच पर ही करारा करके सेकना है। अभी हमारी तल चुकी हैं, अब हम इन्हें सीधा चाशनी में डालेंगे और इसके अंदर डुबो डुबो करके रखेंगे नीचे। अगली आने से पहले इनको चाशनी के अंदर डुबो देंगे जिससे कि चाशनी आखिर तक जाए, अंदर तक जाए इसके। लीजिए हमारी चाशनी लग करके हमारी बालूशाही निकल चुकी है, हम उनको फाइनल निकाल लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।